So, my dear students, you are most welcome on WS Academy. This is part third of this MCQ series, which are related to the equality and enormity. It's the most important topic, and questions are being asked in the examination from equality and enormity point of view. And you should know about these things. These are the basic questions and basic and standard questions as well. So this is part third. If anybody has not gone through the part one and part second, so I have made a playlist equality and enormity MCQs. आप वो देख सकते हैं अगर आप लोगों ने पहले दो parts नहीं देखे. So ये part third है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. यू मे हैव सीन द क्वेश्चन नंबर वन ऑन योर स्क्रीन. सो क्वेश्चन नंबर वन इज द फॉरेस्ट इन सुंदरबन इज कॉल्ड. जो सुंदरबन है ना वो जो फॉरेस्ट है सुंदरबन का उसको बेसिकली क्या बोला जाता है, वो किस तरह का फॉरेस्ट है, वहाँ जो पेड़ पौधे हैं वो किस तरह के हैं. ठीक है, बेसिकली सुंदरबन का नाम सुंदरबन इसलिए है क्योंकि वहाँ पे एक किस्म का पेड़ है, उसको नाम है सुंदरी. ठीक है, उसको लोकली सुंदरी बोला जाता है, तो वो डोमिनेंट है वहाँ पे इसलिए इसका नाम सुंदरबन है. तो किस तरह का फॉरेस्ट है, डेसीडियस फॉरेस्ट, टुंड्रा, मैंग्रोव, स्क्रब जंगल, बताइए, पता है किसी को. एंड यस, द सुंदरी जो है ना वो डोमिनेंट वहाँ पे ये है मैंग्रोव फॉरेस्ट, हेलोफिटिक मैंग्रोव फॉरेस्ट है. और सबसे जो है ये सुंदरबन से ना दुनिया में सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है, राइट? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. वेयर इन इंडिया इज अ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड है, हमने कल भी किया था बहुत बार. ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड. मैंने आपको बताया ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसको हेली नेशनल पार्क भी बोला जाता था, ये उत्तराखंड में है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, और ये सबसे पहली ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया की, जो 1936 में एस्टैब्लिश की गई थी एज हेली नेशनल पार्क, राइट? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. दीज आर द टू लिस्ट गिवन हियर, प्लेस और नॉर्मल वेजिटेशन टाइप. किस जगह पे कौन सा वेजिटेशन टाइप है, कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, राइट? ओके, अगर हम वेस्टर्न गार्ड्स की बात करेंगे, वेस्टर्न गार्ड्स में आपको पता है बारिशें ठीक ठाक होती है ना, तो वेस्टर्न गार्ड्स में कौन से तरह के फॉरेस्ट होते हैं बताइए. आपको बताना है वेस्टर्न गार्ड्स का हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब, छोटा नागपुर प्लेटो. यहाँ से ऑप्शन जो देखे हैं दैट इज मॉइस्ट डेसीडियस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल थॉर्नी. बताइए, जो वेस्टर्न गार्ड्स है वहाँ पे बारिशें ठीक ठाक होती है, वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. सो ए को आएगा टू, राइट? उसके बाद अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश हिली एरिया है, जो हिमालय साइड से होता है, वहाँ पे हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ठीक है, हरियाणा और पंजाब जो है ना वहाँ ज़्यादा बारिशें नहीं होती है, वो ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट वहाँ पे पाया जाता है. और छोटा नागपुर जो है वहाँ पे जो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ठीक है, जो छोटा नागपुर है वहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडियस पाए जाते हैं. तो इसी हिसाब से आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आएगा इनमें से. ठीक है, इनमें से फिर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. आपको समझ आ रहा होगा, बीच बीच में मैं आपको प्रीवियस पार्ट दो पार्ट्स में जो मैंने आपको एमसीक्यूज कराए वो यहाँ पे पूछ रही हूँ, सो देट कि आपका रिविजन हो जाए फिर से. ठीक है, सो ऐसा कोई क्वेश्चन ही ना रहे जो आपको याद ना हो. तो पहला फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 1986 में एस्टैब्लिश किया गया वेस्टर्न गार्ड्स में, और दैट्स कॉल्ड नीलगिरीज. ठीक है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व. ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज. सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है इंडिया में. ओके, पेंच, मानस, कॉर्बेट, नागार्जुना. जरा आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताइए कौन कौन सा टाइगर जो आपको पता है कि टाइगर रिजर्व कहाँ पे, नागार्जुना कहाँ पे, कॉर्बेट कहाँ पे, मानस कॉर्बे, पेंच कहाँ पे, बताइए. ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये जो कॉर्बेट हमने पढ़ा था अभी जो है हेली नेशनल पार्क, ये एक टाइगर रिजर्व है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आता है. प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आई थिंक स्टार्ट हुआ था, है ना. तो मुझे बताइए कौन सी जो है टाइगर जो है टाइगर रिजर्व कहाँ पे है. ठीक है, तो एरिया के हिसाब से हमें बताना है, लार्जेस्ट हमें बताना है कौन सा है, दैट इज नागार्जुन.
राइट ओके मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, जो सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में है वो किस एनिमल के लिए फेमस है? ऑप्शंस आर एप्स, टाइगर्स, राइनोसोर्स, वाइल्ड इंडियन आस। बताइए जो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया में वो किस चीज के लिए, वो किस एनिमल के लिए फेमस है? दैट्स फेमस फॉर वाइल्ड इंडियन आस। ये जो है ये लोकेटेड है कहाँ पे? लिटिल रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, ठीक है, गुजरात में ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ जो लार्जेस्ट है, जो फेमस है किसके लिए? वाइल्ड इंडियन आस के लिए। इसका जियोग्राफिकल स्प्रेड जो है वो 4954 किलोमीटर्स है, ठीक है। तो ये किसकी बात, ये ऊपर टाइगर रिजर्व का बोला गया था, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वाइल्ड इंडियन आस के लिए ये जो गुजरात में रन ऑफ कच्छ में है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव नो फ्लावर्स, इनमें से कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स नहीं होते हैं? इनमें से कौन सा ऐसा है जिनमें फ्लावर्स नहीं होते? ऑर्जेंट, ऑर्चिड, फर्न, फिग, जैक फ्रूट, बताइए। ये आप चेक कर लेना फिर भी, इट्स आंसर इज फर्न। ओके मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, ये दो लिस्ट है यहाँ पे आपको बतानी है बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी कहाँ पे है, ठीक है। देख लीजिए, बाड़ीपुर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, रोहला नेशनल पार्क, ऑलमोस्ट मैंने आपको ये सारी कराई हैं प्रीवियस पार्ट्स में, अब आपको आना चाहिए गुजरात, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। देखो जी फॉर गिर मैंने आपको उस टाइम भी बोला था, जी फॉर गिर, जी फॉर गुजरात, ये ऐसे आता है। जैसे रणथंबोर, आर फॉर रणथंबोर, आर फॉर राजस्थान, ठीक है। वैसे मानस, मानस में दो ए है, आसाम में भी दो ए है, ठीक है। तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में है, ठीक। और बांडीपुर में र से ये होता है, आर कर्नाटक में भी र प्रोमिनेंट है, तो बांडीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में, ठीक है। इसके बाद बची कौन, इसके बाद बची रोहला नेशनल पार्क, वो कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है। ये जो रोहला नेशनल पार्क है ना, ये मानी जाती है, ये मशहूर है किन के लिए? ये मशहूर है स्नो लियोपर्ड्स के लिए, ठीक है। जो मानस यहाँ पे सेंचुरी है, ये यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व भी है, ठीक है। और जो बानीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटक की, ये 1973 में जो है एस्टैब्लिश की गई एज टाइगर रिजर्व। ठीक ओके मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ना, इसमें एनुअल एनुअल रेनफॉल कितना रिसीव होता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, एरिड फॉरेस्ट, बताइए। 100 to 200, above 200, less than 50, above 300, 50 to 100, बताइए। बेसिकली जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, एवरग्रीन वो तभी रहेंगे जहाँ पे अच्छी खासी बारिश होगी, तो इसको आएगा above 200। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में above 200 रेनफॉल होती है, above 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। तो अगर हम बात करेंगे इसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट्स की, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इसे कम रेनफॉल होती है, वो होती है 100 to 200 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर हम ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट्स की बात करेंगे, इनकी जो रेनफॉल होती है दैट वो होती है 50 to 100 सेंटीमीटर, और अगर हम एरिड फॉरेस्ट्स की बात करेंगे वहाँ पे less than 50 सेंटीमीटर ये होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए आएगा आंसर, क्योंकि ए को आएगा दिस टू। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, above 200 रेनफॉल होता है। बी को आएगा 1, ट्रॉपिकल डेसिडियस में 100 to 200 सेंटीमीटर होता है। सी को आएगा 5, क्योंकि ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में 50 to 100 सेंटीमीटर होता है। और एरिड जो होते हैं ना, ये डेजर्ट एरियाज में होते हैं, जो इसमें डी को आएगा 3, less than 50 सेंटीमीटर, ठीक है।
बात समझ में आ गई? ओके okay. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया हैज़ बीन डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिया. जितना फॉरेस्ट इंडिया ने खोया, क्या वो डायरेक्टली एसोसिएट किया गया है कि पॉपुलेशन जो डेमोग्राफी है उसका ट्रांजिशन कैसे हुआ? द फॉरेस्ट कवर इज जनरली नेगेटिवली रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ. बोला जाता है जनरली अगर फॉरेस्ट की जो फॉरेस्ट कवर है वो नेगेटिवली रिलेट करके होता है पॉपुलेशन ग्रोथ. दैट मीन्स जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी उतनी फॉरेस्ट डिक्रीज हो जाएगी, जितनी फॉरेस्ट इंक्रीज हो जाएगी दैट मीन्स पॉपुलेशन कम हुई है. तो क्या ये नेगेटिव कोरिलेशन में है आपस में, और क्या ये एसोसिएट की जाती है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के साथ? तो बताइए इसमें से स्टेटमेंट कौन सा ठीक है. तो बिल्कुल ये सही है. बोला जाता है जितना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होगा, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना जो है फॉरेस्ट कवर कम हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन की ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा टिम्बर चाहिए, हैबिटेट चाहिए उतना, ठीक है, खेती बाड़ी उतनी चाहिए, और इसको नेगेटिवली रिलेट किया जाता है. तो दीज बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी आएगा. Both A and R are true and reason is the correctly explains A. So loss of forest cover in India has been directly associated with demographic transition in India. कि population कितनी grow हो जाएगी उतना loss हो जाएगा forest India में. And the forest cover is generally negatively related to population growth. Generally इसको negatively हम relate करते हैं कि क्योंकि जितनी population increase हो जाएगी उतने पेड़ कट जाएंगे, उतने हमें food grains चाहिए, उतना हमें रहने के लिए जगह चाहिए, उतनी हमें अलग अलग घर चाहिए. ठीक है, तो इसी वजह से बात समझ में आ गई. कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं आपको, कमेंट सेक्शन में लिख लो मुझे आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, मैं इसको कंटिन्यू करूँ या नहीं. और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना, राइट? ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, बहुत बार एक क्वेश्चन आया, इट इज़ इन उत्तराखंड. 1936 में इसको एस्टैब्लिश किया गया. बहुत बार मैंने आपको ये पढ़ा है, राइट? आपको ये मैं पूरा याद कराऊंगी, इकोलॉजी एनवायरमेंट, राइट? बस आप लिखते जाओ कि आपको कौन सा ये चाहिए, आपको कौन सा टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए. ठीक है, इसमें टाइप ऑफ वेजिटेशन दिया गया है और किस स्टेट में डोमिनेंट है वेजिटेशन, जैसे मैंग्रोव, स्क्रब, टीक, कॉनिफेरस, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश. बताइए क्या लग रहा है आपको. अगर इनमें से देखा जाए ना, तो मैंग्रोव अगर हम बात करेंगे वो कर्नाटक में होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया है, वहाँ से ज़्यादा पानी नहीं. राजस्थान तो डेजर्ट एरिया है, अरुणाचल प्रदेश तो नहीं, वहाँ पर तो नहीं होगा. तो ये कर्नाटका में ही मैंग्रोव देखते हैं. और स्क्रब जो है फॉरेस्ट टाइप राजस्थान में, टीक हमें मध्य प्रदेश में मिलता है डेसिडियस टाइप में, कॉनिफ्रस हमें फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं हिली एरियाज में. ठीक है, सो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ए को आएगा टू मैंग्रोव कर्नाटक में, ठीक है, ए को आएगा टू और बी को आएगा थ्री एंड सी को आएगा वन एंड कॉनिफेरस को डी को फोर. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? लखनऊ, भोपाल, दिल्ली, देहरादून, बताइए. इट इज लोकेटेड इन देहरादून. ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. सो इसको इट वॉज फाउंडेड इन 1906. ये बहुत ही ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है और रिसर्च करता है फॉरेस्ट्री के रिलेटेड, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, राइट? मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज रंगनाथेतु बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? ऑप्शंस आर रंगनाथेतु बर्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु. आप ऐसे याद रखना, ये र से है, आर कर्नाटक में आर जो है प्रोमिनेंट है, क्योंकि बांडीपुर वो भी कर्नाटक में है, तो ये भी कर्नाटक में है. इट इज इन कर्नाटक, राइट? ओके, द कॉमन ट्री स्पीशीज इन नीलगिरी हिल्स इज? नीलगिरी हिल्स में कॉमनली हमें क्या मिलता है, कौन सी ट्री स्पीशीज मिलती है? नीलगिरी कहाँ पे है? नीलगिरी ये केरल में है, वेस्टर्न गार्ड्स में.
नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में एस्टैब्लिश किया गया, साथ साथ एडिशनल पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें इक्वालिपटस मिलता है टीक पाइन साल, तो इसमें क्या मिलता है, इसमें आपको सबसे ज्यादा इक्वालिपटस मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, राइट? ओके, तो मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, एन एरिया लीगली रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इन इट्स नेचुरल सराउंडिंग्स इज, कोई एरिया जो लीगली बाय लॉ रिजर्व किया गया है वाइल्ड लाइफ के लिए अपनी एक नेचुरल सराउंडिंग्स में ही, इसको हम क्या बोलते हैं? कोई एरिया लीगली मतलब अंडर लॉ आपने किसको किया है रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, अपनी ही इसकी ही नेचुरल सराउंडिंग्स में, तो बताइए इसको हम क्या बोलते हैं? सोशल फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ जहां पे भी आता है ना, तो इट इज कॉल्ड एज सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए प्रोटेक्टेड एरिया दैट इज रिजर्व्ड फॉर द कंजर्वेशन ओनली ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है, इसमें प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी। ठीक है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक जैसे हार्वेस्टिंग होता है, हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर होता है, कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, वैक्स होता है, हनी होता है, दैट आर अलाउड, जो है कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर अलाउड एंड राइट ओके। देयर इज अ नीड टू कीप लार्जर एरिया अंडर फॉरेस्ट फॉर, हमें क्यों चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हम फॉरेस्ट के अंदर रखें, फॉरेस्ट रखें ज़्यादा एरिया, रेजिंग प्रेसिपिटेशन, इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों हमें चाहिए? सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है जो है जो निचोड़ कौन सा? ये तो मुझे लगता है सारे ऑप्शंस मिलते हैं ना, क्योंकि अगर आप फॉरेस्ट कवर ज़्यादा रखेंगे उससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, उससे वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट होता है, उससे इकोलॉजिकल बैलेंस भी रहेगा, उससे प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, वो भी राइज हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है इसका, अगर आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा आप क्या आंसर लिखेंगे? ऑब्वियसली इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस में सब कुछ आता है, प्रेसिपिटेशन भी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन भी और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन भी। तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर रहे, ठीक है, राइट, शाबाश। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैचड, इनमें से पेयर्स में कौन सा करेक्टली मैचड है कि ये पेड़ जो है डोमिनेंस में किस स्टेट में उगते हैं? सैंडलवुड केरला, सुंदरी वेस्ट बंगाल, देवदार मध्य प्रदेश, टीक जम्मू एंड कश्मीर, बताइए। देखो मैंने आपको अभी बताया सुंदरबन जो है ना, सुंदरबन वो कहाँ पे, सुंदरबन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, वो वेस्ट बंगाल में, और वहाँ पे वो सुंदरबन क्यों नाम है, क्योंकि वहाँ पे एक डोमिनेंट ट्री टाइप है सुंदरी मैंगो ट्री, मैंग्रोव ट्री टाइप, ठीक है, ये करेक्ट, ये दिस इज करेक्ट, दिस मैच इज करेक्ट, दिस इज करेक्टली मैचड, राइट ओके। अच्छा देवदार अगर होगा ना उसको, वो जम्मू एंड कश्मीर में होता है, मैंने आपको पढ़ा है कल वाले सीरीज में, वेस्टर्न हिमालयाज में देवदार पाया जाता है, ठीक है, वेस्टर्न हिमालयाज में, और टीक देखेंगे वो मध्य प्रदेश में भी होगा या केरल में भी, सैंडलवुड भी साउथ इंडिया में पाया जाता है, सैंडलवुड, ठीक है, साउथ इंडिया में। तो अगर यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हमें देखना है तो दैट इज सुंदरी, सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल में है। ओके मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया टू इट्स टोटल लैंड एरिया, इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया किसका है टू मतलब इस हिसाब से, किस हिसाब से जो स्टेट का लैंड एरिया है ना उसमें फॉरेस्ट एरिया देखना है, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया टू लैंड एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो अगर किसी स्टेट का कुछ एरिया है सबसे ज़्यादा उस एरिया का ज़्यादा पार्ट फॉरेस्ट किस स्टेट में है, ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है तो ऑप्शन आर सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोराम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम ये आपको देखना है 2011 अगर हम करेंगे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तो अगर हम देखेंगे ना लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया टू इट्स टोटल लैंड एरिया, तो ऑप्शन आएगा मिजोरम आएगा आंसर, क्योंकि अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे 90.68% जो है वो फॉरेस्ट है, इसमें परसेंटेज के हिसाब से हाइएस्ट है, ठीक है, टोटल फॉरेस्ट कवर के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट है पूरी कंट्री में मिजोरम में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वन ऑफ द सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, राइट
काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, काजीरंगा नेशनल पार्क किस स्टेट में सिचुएटेड है बताइए। काजीरंगा नेशनल पार्क कल भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे ए ए ए, इसे कुछ अंदाजा आया कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन असम, ओडिशा, गुजरात, कर्नाटका, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने आपको बोला था 2 ए, तो यहाँ पे 3 ए, तो आसाम है ना, तो आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। और इट वाज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको डिक्लेयर किया गया 1985 में, ठीक है। अच्छा, ओडिशा, गुजरात और कर्नाटका, ज़रा मुझे बता, गुजरात के लिए मैंने आपको क्या बताया? जी फॉर गुजरात, जी फॉर गिर, गिर नेशनल पार्क, गिर फॉर लाइफ सेंचुरी, कर्नाटका बांडीपुर, राइट, ठीक है, और सिमलीपाल ओडिशा, ठीक है। तो काजीरंगा कहाँ पे? नेशनल पार्क असम में है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 1985 में। बात समझ में आ गई, राइट? ओके। ओ वन और क्वेश्चंस है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन ऑफ इंडिया, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो इंडिया की ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। दूसरा, इट वॉज वन ऑफ द 9 टाइगर रिजर्व क्रिएटेड एट द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। तो क्या जो हमने प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च हुआ था कब? 1973 में। तो उनमें हमने 9 टाइगर रिजर्व को लॉन्च किया गया, क्या ये उनमें से एक है? और इट वॉज इनिशियली नेम्ड एज, इनिशियली इट वॉज नेम्ड एज हेली नेशनल पार्क, ठीक है। इनिशियली इसको नाम बताया गया था क्या? हेली नेशनल पार्क। बताइए, मैंने आपको बहुत बताया कॉर्बेट के बारे में। यस, इसको पहले हेली नेशनल पार्क नाम दिया गया था 1973 में, जब प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था उसके अंदर 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे, ये उनमें से एक था। और जो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये जो है ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। ये 1936 में एस्टैब्लिश किया गया। जिम कॉर्बेट एक हंटर था, उसका बड़ा रोल रहा इसको एस्टैब्लिश करने में, उसी के नाम पे रखा गया। ये उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। सो ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द अबो इज करेक्ट, ठीक है। अब फिर से दो लिस्ट से बताइए किस जगह पे कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट होंगे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पे देखिए, कोनिफेरस फॉरेस्ट, मैंग्रोव, डिसिडियस फॉरेस्ट, सुंदरबन, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, साइलेंट वैली, बताइए। मैंग्रोव कहाँ पे? सुंदरबन ऑब्वियसली है ना, मैंग्रोव का सीधे सीधे क्या आएगा? सुंदरबन ही आएगा, है ना। शाबाश। डेसिडियस फॉरेस्ट, अच्छा अगर हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो साइलेंट वैली में देखने को मिलेगा, क्योंकि साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है, साउथ इंडिया में, वहाँ पे बारिश ठीक ठाक होती है। उसके बाद अगर हम कॉनिफरस फॉरेस्ट की बात करेंगे, वो कॉनिफरस ये हिली एरियाज में होता है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो अगर हम डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करेंगे तो वो आएगा फिर, बचा है ईस्टर्न साइड ऑफ राजस्थान, ईस्टर्न साइड ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न से थोड़ा सा बारिश होती है वहाँ पे, ठीक है। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो दिस इज द राइट आंसर। वन महोत्सव इज एसोसिएटेड विद, वन महोत्सव हम टर्म का कब इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली वन महोत्सव मूवमेंट जो है इनिशिएट की गई थी 1950 में बाय इंडियाज देन यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, जो उस टाइम पे था, उन्होंने 1950 में ये जो है मूवमेंट स्टार्ट की। ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली इट इज एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल, ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल, वन महोत्सव इज एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल। मेरे हिसाब से इसका प्लांटिंग ऑफ प्लांटिंग ट्रीज होना चाहिए, लेकिन इसमें लिखा गया है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज, लेकिन बट वी विल चेक इट एंड आई विल राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद रिगार्ड टू प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया? ये प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है,
टाइगर रिजर्व्स जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आते हैं, और कौन से कहाँ पे वो भी लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेजर, करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। देखिए जो पेंच टाइगर रिजर्व है ना, ये घारवाल में नहीं, ये मध्य प्रदेश में है, सियोनी डिस्ट्रिक्ट में। और इस वहाँ पे पेंच रिवर है, एक बहता है, उसी से इसका नाम पेंच पड़ा है, ठीक है। और ये जो पेंच रिवर है ना, ये पेंच रिवर इस पेंच टाइगर रिजर्व को दो टुकड़ों में बांटता है, ऐसे बीच में बहता है ये, ठीक है। सतपुरा हिल्स के साउथ में है ये। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फॉलोइंग सेंचुरी जो इंडिया की है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लोकेशन ऑफ द अबो सेंचुरीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखो हमें साउथ साउथ टू नॉर्थ जाना है। पेरियार आपको पता है कहाँ पे है, ये क्या, ये रिजर्व सेंचुरीज दी गई हैं, आपको साउथ टू नॉर्थ लिखना है। तो पहले हमें साउथ से जाना है फिर नॉर्थ की ओर। मुझे बताइए पेरियार कहाँ पे है, पेरियार रिवर पता है कहाँ पे है, केरल में है, तो ये साउथ इंडिया में आएगा ना। दाचीगाम पता है कहाँ पे है, दाचीगाम, ये पेरियार रिवर केरल में है, दाचीगाम कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है, सरिस्का कहाँ पे है, सरिस्का राजस्थान में है, कान्हा कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। तो क्या आएगा करेक्ट सीक्वेंस बताइए जनाब। तो सबसे पहले हम देखो ऑप्शंस को कैसे देखना होता है, सबसे पहले आएगा साउथ टू नॉर्थ में जाना ना, तो सबसे पहले पेरियार आएगा, जहाँ पे वन है वो ऑप्शन सही है, जहाँ पे वन नहीं है वो ऑप्शंस को काट दो, ये तो ऑप्शंस वहीं पे कर गए। हमें साउथ टू नॉर्थ जाना है ना, तो दाचीगाम लास्ट में आएगा ना, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे, साउथ यहाँ पे, राजस्थान यहाँ पे, मध्य प्रदेश यहाँ पे है ना, कान्हा मध्य प्रदेश में है, सरिस्का राजस्थान में है, दाचीगाम जम्मू एंड कश्मीर में है, केरल यहाँ पेरियार केरल में है, ठीक है। तो पहले साउथ ये आएगा पेरियार, ठीक है, वन आएगा, उसके बाद टू लास्ट में आएगा। तो इनमें देख लीजिए आप, टू जो है ना यहाँ पे, थ्री लास्ट में, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया, तो सीधे ए आएगा आंसर। क्यों, क्योंकि क्योंकि साउथ में सबसे पहले पेरियार आएगा, राइट, ओके, उसके बाद कान्हा आएगा मध्य प्रदेश में, उसके बाद सरिस्का आएगा राजस्थान का, क्योंकि मध्य प्रदेश पहले साउथ में आता है, उसके बाद राजस्थान आता है ऊपर, उसके बाद दाचीगाम आएगा जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, ओके। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, द फेमस गिर फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन, मैंने आपको ये बहुत बार पढ़ा है, इट इज इन गुजरात, है ना। साइलेंट वैली केरला में है, दाचीगाम कश्मीर में, और माइसोर एक जगह है कर्नाटक की, और कर्नाटक में बाणीपुर नेशनल पार्क है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। फिर से आया है टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट ट्रीज कौन कौन से कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो अगर हम देखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे, अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे, वहां पे क्या पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, और वैसे वहां पे बारिशें बहुत होती है ना, तो वहां पे बैम्बू छोना महागुनी पाई जाती है। सो ए को आएगा सेकेंड। ट्रॉपिकल डेसीडियस की अगर हम बात करेंगे, तो डेसीडियस में हमेशा नीम, टीक और शीशम आएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश साइड। अगर हम माउंटेन फॉरेस्ट की बात करेंगे ना, तो वहां पे क्या आएगा, माउंटेन पाइन, द्यूदोर एंड स्पर्स, क्योंकि हिमालय साइड से भी होता है। अगर हम थॉर्न फॉरेस्ट की बात करेंगे, जैसे राजस्थान, वहाँ पे आता है किकर, बबुल, डेट एंड पाम, क्योंकि रेगिस्तान टाइप में डेट पाम होता है, किकर होता है, बबुल होता है। माउंटेन में क्या होता है, पाइन, द्यूदोर, स्पर होता है। ट्रॉपिकल डेसीडियस में नीम, टीक, शीशम होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बैम्बू, छिछोना एंड महागुनी, राइट। सो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, राइट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप वीडियो को पॉज करके याद भी कर सकते हैं, या साइड में लिख के भी रख सकते हैं, राइट। मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शंस आर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला। बताइए मधुमलाई, ये पहला क्वेश्चन आया, इट इज इन तमिलनाडु। ये एक टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया फिर बाद में। मधुमलाई का मतलब होता है फर्स्ट हिल्स, ठीक है, ओके। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन,
तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लग रहा है आपको ये सेशन, फायदा हो रहा है इससे कि नहीं, ठीक है। और ये भी लिख लीजिए और कौन सा सेशन आपको चाहिए किस एमसीक्यू सीरीज का। विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीज इज फाउंड एट द हाईएस्ट एलिवेशन फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से सबसे ऊंचाई पे, ऑल्टीट्यूड पे कौन सा इनमें से पाया जाता है, साल, टीक, पाइन, देवदार, बताइए। ऑब्वियसली कौन सा, देवदार, क्योंकि ये हिमालयाज में, वेस्टर्न हिमालयाज, और वो ऊंची होती हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में भी देवदार में वो एक ड्यूरेबल, बहुत ही जो है ड्यूरेबल वुड होती है, ठीक। ओके, फॉरेस्ट और रीजन दिया गया है, फिर से बार बार एक क्वेश्चन मैंने जानबूझकर रखे हैं सो दैट कि आपको ये हमेशा के लिए याद हो, ठीक हो। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस यहाँ पे दिया गया है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस, एल्पाइन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ठीक है। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस जो है वो तराई रीजन में होती है ना, वहां पे रिवर्स इमर्ज होते हैं तराई रीजन में। अगर हम ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस की बात करेंगे वो मिडल गंगा प्लेन में होती है। अगर हम एल्पाइन फॉरेस्ट्स की बात करेंगे, एल्पाइन होते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, हिली है। तो अगर हम बात करेंगे किसकी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स की, वो सह्याद्रीज में होती है, सह्याद्रीज महाराष्ट्र में, मतलब वेस्टर्न घाट साइड है ना, तो ये एवरग्रीन होंगे ना वहाँ पे जहाँ पे बहुत बारिशें होती है, तो ये सह्याद्रीज में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन सह्याद्रीज में होती है, ठीक है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस तराई रीजन, राइट, ओके। इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब हमें टाइगर रिजर्व्स देखने हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। नॉर्थ यहाँ से आता है, साउथ यहाँ से आते हैं, तो यहाँ से यहाँ की ओर जाना है हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं करेक्ट सीक्वेंस किस में दिया गया है। कान्हा तो पता ही है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन दुधवा है उत्तर प्रदेश में। तो ये देख लीजिए दुधवा ये कहाँ पे, ये तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश में आता है। कान्हा आता है मध्य प्रदेश में, टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का। इंद्रावती आता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो छत्तीसगढ़ कैसे आएगा पहले ही, ये तो उससे ऊपर, छत्तीसगढ़ से ऊपर यूपी तो है ना, तो ये गलत आएगा, ये गलत हो जाएगा। तो अच्छा यहाँ पे बाड़ीपुर लिखिए, वो तो कर्नाटक में है, ये इंद्रावती से पहले नहीं आएगा, तो ये भी गलत है ना। तो दुधवा आएगा ये यूपी में है, पहले तो यूपी आएगा अगर हम नॉर्थ साउथ जाएंगे, उसके बाद कान्हा आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, है ना, नॉर्थ टू साउथ, उसके बाद इंद्रावती छत्तीसगढ़ आएगा, है ना, उसके बाद बाड़ीपुर कर्नाटक आएगा, है ना। आप मैप पे देख लीजिए, पहले अगर नॉर्थ की बात करेंगे उत्तर प्रदेश आएगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, तो उसी हिसाब से। तो इससे आपको ये भी पता चला होगा ये टाइगर रिजर्व के बारे में कौन सा किस स्टेट में है। जैसे दुधवा उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है, उससे आप याद रहोगे दूध थे, दुधवा जो है टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में। कान्हा, कान्हा की कहानी मध्य भारत में सुनाई गई, तो कान्हा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। इंद्रावती जो है, इंदिरा गांधी छत्तीसगढ़ चली गई थी, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। और बांडीपुर जो है, र इसका प्रोमिनेंट है, तो कर्नाटक का भी र भी प्रोमिनेंट है, तो कर्नाटक में है, ठीक है। तो दिस वॉज नॉर्थ टू साउथ। इसके बाद इन उत्तराखंड ओक रिहोडेंड्रॉन आर कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स ऑफ, ये जो ओक रिहोडेंड्रॉन प्लांट्स है ना, ये किस, ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स हैं। तो टेम्परेट फॉरेस्ट ऑल ऑफ द अबव अल्पाइन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये जो है ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स है टेम्परेट फॉरेस्ट के, उत्तराखंड के, ठीक है। द टिपिकल नेचुरल वेजिटेशन अबव 3600 मीटर्स ऑन द हिमालयस इज, हिमालय की ऊंचाई पे 3600 मीटर्स की ऊंचाई पे, हिमालय पे कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट, अल्पाइन ग्रास लैंड, बताइए। तो वहां पे ज्यादा ये होंगे नहीं, वहां पे जो है अल्पाइन ग्रास लैंड होता है, और वहां पे सिल्वर फर पाइन ब्रिज पाए जाते हैं बिल्कुल टॉप पे, तो वहां पे ज्यादा बड़े बड़े ट्रीज नहीं होते, थोड़े से ग्रास लैंड होते हैं, ओके। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू अ स्मॉल टाउन एंड लेटर टू अ सिटी इज नोन एज, अगर विलेज से आएंगे छोटे टाउन और फिर छोटे टाउन से सिटी जाएंगे, माइग्रेट करेंगे लोग, तो इसको हम क्या बोलेंगे। तो ऑब्वियसली इंटरस्टेट माइग्रेशन, फोर्स्ड माइग्रेशन, स्टेप वाइज माइग्रेशन, इंट्रास्टेट माइग्रेशन। तो अगर गाँव से निकल के टाउन में आ गया, टाउन से निकल के सिटी में आ गया, तो इसको बोला जाता है स्टेप वाइज माइग्रेशन।
काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, काजीरंगा नेशनल पार्क मैंने बोला था 3A, कहाँ पे होते हैं? आसाम में है ये काजीरंगा नेशनल पार्क। ये किस चीज के लिए फेमस है? लॉयन, क्रोकोडाइल, टाइगर, राइनोसोर्स। काजीरंगा नेशनल पार्क मशहूर किस चीज के लिए? ये राइनोसोर्स के लिए। वन हॉर्नर, सिंगल हॉर्नर, वन हॉर्नर राइनोसोर्स वहां पे पाए जाते हैं बहुत ज्यादा तादाद में। ग्रेट वन हॉर्नर राइनोसोर्स पाए जाते हैं वहां पे। एलिफेंट्स भी होते हैं, वाटर वाइल्ड वाटर बैफलोज भी होते हैं, स्वैम्प डियर भी होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इन टर्म्स ऑफ एरिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट कवरेज ऑफ फॉरेस्ट्स? एरिया के हिसाब से इन स्टेट्स में से किसको होती है सबसे ज्यादा कवरेज फॉरेस्ट्स की? ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड यस इट इज, सबसे ज्यादा होती है मध्य प्रदेश में। तकरीबन 12.44% है स्टेट का फॉरेस्ट के अंदर। मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में आता है। फिर से टाइप ऑफ फॉरेस्ट और एरियाज किस किस एरिया में आते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहां पे होंगे? जहां पे बारिशें बहुत होती है ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहां पे पाए जाते हैं? ऑब्वियसली अंडमान निकोबार आइलैंड में। मॉनसून फॉरेस्ट कहां पे होते हैं? उत्तराखंड है, बिहार। थॉर्नी फॉरेस्ट की अगर हम बात करेंगे कहां पे होंगे? जहां पे पानी कम होगा वो राजस्थान और गुजरात, वेस्टर्न इंडिया। टाइडल फॉरेस्ट कहां पे पाए जाते हैं? सुंदरबन में होते हैं टाइडल फॉरेस्ट, ठीक है, सुंदरबन में होते हैं। थॉर्नी फॉरेस्ट, वो थॉर्नस क्यों होते हैं? पानी को बचाने के लिए। तो राजस्थान गुजरात में बारिशें कम होती है, तो ये राजस्थान गुजरात। ऐसे भी आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, मैं ऐसे समझा रही हूँ इसलिए सो दैट कि आप बाकी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अंडमान निकोबार में होते हैं, टाइडल सुंदरबन में, ठीक है। वो ये मैनग्रोव जो होते हैं ना, टाइड्स को रोकते भी हैं, फ्लड्स को भी रोकते हैं। मानसून उत्तर प्रदेश एंड बिहार, और थॉर्नी राजस्थान गुजरात, ठीक है। मधुमलाई सेंचुरी इज फेमस फॉर, मधुमलाई सेंचुरी जो है ये फेमस किस चीज के लिए है? मैंने आपको बताया है कि इसको बोलते हैं फर्स्ट हिल्स, मधुमलाई का मतलब होता है फर्स्ट हिल्स, और ये है तमिलनाडु में, है ना। और ये किस चीज के लिए फेमस है? बर्ड्स, एलिफेंट्स, बिसोन्स, टाइगर्स, बताइए। मधुमलाई जो सेंचुरी है इट इज फेमस फॉर टाइगर्स, इसको डिक्लेयर किया गया है टाइगर रिजर्व भी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल, एसेंशियली अ स्पीशीज ऑफ द हिमालयन वेजिटेशन? इनमें से कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो हिमालयन वेजिटेशन की नहीं है? देखो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, जूनिफर, सुपर सिल्वर फर, ये पाया जाता है हिमालयन रीजन में। महागुनी नहीं पाया जाता है, महागुनी वहां पे नहीं पाया जाता है। सो महागुनी इज द राइट आंसर। विच आर द स्टेट्स इन विच द अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड? अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व किस किस स्टेट में फैला हुआ है? सो ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है। क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट जो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला ये एक साथ ही है, तो अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया 2001 में, ठीक है। तो ये है किस किस में, ये केरल में है और तमिलनाडु में है। ठीक है, साउदर्न एंड ऑफ वेस्टर्न गार्ड्स पे है ये अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये केरल और तमिलनाडु में दो स्टेट्स में फैला हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गई, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड एज सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट? किस स्टेट्स के फॉरेस्ट को सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बताया गया? ऑप्शंस आर तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरला, एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज अ प्रोजेक्ट टू कंजर्व द राइनोस इन इंडिया? राइनोस को कंजर्व करने के लिए किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोजेक्ट दिया गया है? और मैंने आपको ये अभी पढ़ाया। ऑप्शंस आर काजीरंगा, गिर, परियार, बांडीपुर।
तो मैंने आपको बताया काजीरंगा जो है 3 एज है, आसाम में है ये, और 100 डायनासोर्स को बचाने के लिए वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है। सारी चीज़ें मैं रिपीट कर रही हूँ सो देट कि आपको कभी आप भूले ना आए। गिर का मतलब होता है गिर, जी फॉर गिर, जी फॉर गुजरात, ये गुजरात में है। पेरियार, पेरियार रिवर केरला में। बाणीपुर र प्रोमिनेंट कर्नाटक, राइट, ओके, शाबाश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ प्रोटेक्टेड मैंग्रोव रीजन, इनमें से किसका होता है क्या, इसमें इनमें से किनका है प्रोटेक्टेड मैंग्रोव रीजन? गोवा, चंद्रताल, वेस्टर्न गार्ड्स, ईस्टर्न गार्ड्स। तो गोवा है द लार्जेस्ट एरिया कवर्ड अंडर द प्रोटेक्टेड मैंग्रोव रीजन, ठीक है, ये भी एक कोस्टल स्टेट ही है गोवा, छोटी है एरिया में। रिसेंटली नीलांबर टीक हैज़ बीन ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस, कुछ टाइम पहले GI टैग मिला है इसको, नीलांबर टीक को। इट हैज़ दिस ऑरिजिन इन द स्टेट ऑफ, ये किस स्टेट से ऑरिजिन है इसका, किस स्टेट में ज़्यादा निकलता है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बताइए। नीलांबर टीक जो है ना, इसको GI टैग मिला है, इसकी ओरिजिनल स्टेट है, ऑरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ ऑरिजिन है केरला, ठीक है, शाबाश। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड बेस्ड ऑन द नेशनल पार्क एंड स्टेट, इनमें से कौन सा गलत मैच किया गया है? सिमलीपाल ओडिशा, पिनवेली जम्मू एंड कश्मीर, राजा जी उत्तराखंड, बाणीपुर कर्नाटक। मैंने आपको बार बार बताया बाणीपुर में र प्रोमिनेंट, कर्नाटक में र प्रोमिनेंट, बाणीपुर नेशनल पार्क, कर्नाटक में, दिस इज करेक्ट। राजा जी जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क को राजा जी पार्क भी बोलते हैं उत्तराखंड में, दिस इज करेक्ट। सिमलीपाल जो है ये ओडिशा में है, नेशनल पार्क इज इन ओडिशा, सिमलीपाल, ठीक है। तो पिन वैली जो है ना, पिन वैली इज नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज करेक्ट, इन करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, राइट, ओके। सो ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर, राइट। तो वो कंप्लीट हो गए। तो दिस वॉज पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। मैं इसलिए ये ऐसे क्वेश्चंस रखती हूँ, सेम सेम क्वेश्चंस, सो देट कि बार बार रिपीटेशन हो, बार बार आपका रिवीजन हो जाए। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, एंड सो देट कि मैं और पार्ट्स ले आऊँ इसके, एंड इंशाल्लाह सेम टाइम पे आपको मिलते रहेंगे। बाकी लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर बींग हेयर, फॉर ज्वाइनिंग अस, इट वॉज अ प्लेजर टू डू दिस सेशन। Okay.